हेलो बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ की मैथ्स की वर्कशीट 18 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 8 नक्शा के सवाल दिए गए हैं। चलो बच्चों, जानते हैं चार दिशाओं को, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सुबह जल्दी उठकर देखो कि सूरज किस तरफ से उगता है। यह पूरब दिशा कहलाती है, जहाँ से सूरज उगता है। अब उस पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाओ। आपके पीछे की तरफ पश्चिम दिशा होगी और आपके दाई तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और आपके बाई यानी सीधे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। जैसा आपको चित्र में लड़की दिखाई गई है, लड़की के सामने की ओर पूर्व दिशा है, पीछे पश्चिम और बाएं हाथ की ओर उत्तर और दाएं हाथ की ओर दक्षिण। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको सूरज जहाँ से उग रहा है यानी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा होना पड़ेगा। अब हमें इसके अकॉर्डिंग निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके पूर्व दिशा में किसका घर है? मेरे तो पूर्व दिशा में कविता का घर है। आप अपने घर से देखो, आपके पूर्व दिशा में किसका घर है, कौन से फ्रेंड का घर है, उसका नाम यहाँ लिखो। नेक्स्ट है, ऐसी जगह का नाम लिखो जो उत्तर दिशा में हो। मेरे घर से उत्तर की दिशा में अस्पताल है। आपके घर से उत्तर दिशा की ओर क्या चीज़ है, वो यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट है, आप जिस दुकान से टॉफ़ी लेते हैं, यह डैश दिशा में है। मैं तो जिस दुकान से सामान खरीदती हूँ, वह दक्षिण दिशा में है। आप देखिए, आप जिस दुकान से चीज़ खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, वो कौन सी दिशा की ओर पड़ती है, और वो दिशा का नाम यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दिल्ली के इंडिया गेट का नक्शा है। नक्शे को ध्यान से देखो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर एक नक्शा दे रखा है इंडिया गेट का, बीच में इंडिया गेट बना हुआ है। अब हमें इस नक्शे को देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन पार्क इंडिया गेट की किस दिशा में है? चिल्ड्रन पार्क इंडिया गेट की दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट है, नेशनल स्टेडियम डैश दिशा में है, कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। इंडिया गेट के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा के रोड का नाम लिखो। तो जो उत्तर की ओर है उसका नाम है कस्तूरबा गांधी मार्ग, जो दक्षिण दिशा में है उसका नाम है शाहजहां रोड, और जो पश्चिम दिशा में है उसका नाम है राजपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपथ इंडिया गेट की डैश दिशा में है, कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है जनपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्शे में बड़ी जगह को छोटे से कागज पर दिखाते हैं। जब कागज पर नक्शा बनाया जाता है, तब चीजों की लंबाई चौड़ाई को एक तरफ से छोटा या बड़ा कर दिया जाता है। आपको जो नीचे चित्र दिए गए हैं, यहाँ 1 सेंटीमीटर ग्रिड में दिए गए चित्रों को 0.5 सेंटीमीटर की ग्रिड में हमें बनाना है। ये जो सारे चित्र बने हैं, ये 1 सेंटीमीटर ग्रिड में बने हैं। अब नेक्स्ट में हमें 0.5 सेंटीमीटर ग्रिड दे रखा है, जिसमें एक दिया बना है और एक पत्ती बनी है। हमें बाकी का जो स्माइली और गिलास और कार बनी हुई है, वो इस 0.5 सेंटीमीटर ग्रिड में बनानी है। आप देखिए, ये 1 सेंटीमीटर ग्रिड में जो स्माइली है, वो कितने बॉक्स में आया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ बॉक्सेस में आया हुआ है। तो हमें 0.5 सेंटीमीटर ग्रिड में भी इसे 9 बॉक्सेस में ही बनाना है। ऐसे ही गिलास 1, 2, 3, 4, 4, 4.5 बॉक्सेस में जो ग्लास की लंबाई है वो आई हुई है। ऐसे ही हमें 0.5 सेंटीमीटर ग्रिड में 4.5 बॉक्सेस में ही इस ग्लास को बनाना है। ऐसे ही कार को भी बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है एक काल्पनिक जगह का नक्शा है। इस नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दूरी असल की 10 किलोमीटर की दूरी को दिखाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा, इस क्वेश्चन में एक चीज गलत हो गई है। वो क्या हो गई है? हमें स्केल से इसे नापना है, इन दूरियों को नापना है जो इडलीपुर से बर्फी नगर तक जाती है। लेकिन हमारे पास सही अंदाज़ा लगाने के लिए नहीं है ये लाइन, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं किया जा सकता। अगर हमें इनके बीच की लंबाई पता होती, या फिर स्केल से नापने के लिए सही हमें ये पैमाना दिया जाता, हमें ये एक पेज के ऊपर बना के दिया जाता, तब हम स्केल से इसे नाप सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना इस वीडियो के अकॉर्डिंग या इस मोबाइल से देखने के अकॉर्डिंग गलत माना जाएगा, क्योंकि ये बड़ा भी हो सकता है और हम स्केल से नापेंगे तो ये ज़्यादा दिखाएगा, और छोटा करेंगे तो ये कम दिखाएगा। इस
लिए ही ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा सकती। अगर आप इस वर्कशीट को प्रिंटआउट से निकलवाते हैं तो आप स्केल से इनकी दूरियों को नाप सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्कूल का नक्शा बनाओ। तो मैंने अपने स्कूल का एक नक्शा बना रखा है जिसमें बगीचा है, क्लासरूम जैसा है, बिल्डिंग वो दिखा रखी है, गेट दिखा रखा है जो मेन गेट है, और गेट कीपर जहाँ बैठता है उसका कमरा भी बनाया हुआ है और पार्क भी बना रखा है। आप भी अपने स्कूल का ऐसा ही एक नक्शा बना लीजिए। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 5th की मैथ की वर्कशीट 18। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें।